दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक क्या बोलते हैं यार वो उसको इलेक्ट्रिक बॉक्स, हाँ इलेक्ट्रिक बॉक्स को मैं फिट करने वाला हूँ मेरे कंप्यूटर टेबल के अंदर। मेरे पास लगभग 3 से 4 कंप्यूटर टेबल है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये इस पर मैंने पहले बहुत खर्चे कर लिए, मतलब 5 से 10 स्ट्रिपें ला दी, पर ये साला कोई काम का नहीं है। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर ये वाला जो है ये रणछोड़ भाई ने बनाया है, और ये जो स्विचेस थे मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मैंने इसे अपने यहाँ पे ऑफिस के लिए यूज़ में ले लिया है, और बाकी मेरे घर पे सारे नवे स्विचेस लग रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वायरिंग कैसे करनी है टेबल में, मतलब वो कैसे फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है और किस हिसाब से ये वर्क करेगा, इसकी मैं हर एक डिटेल में आपको वीडियो में शेयर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे और वीडियोज को स्किप बिल्कुल भी मत करना। देखिए मैंने एक सैंपल तो काटा है, ये कुछ लगेगा ऐसे। तो इससे क्या है, एक सॉल्यूशन ये आ जाएगा कि हमें बार बार स्ट्रिप चेंज करने की, इलेक्ट्रिक स्ट्रिप चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर बढ़िया से ये जो है ये अच्छे से अंदर इंसर्ट हो जाता है। जैसे कि अब इसमें देखेंगे कि ये डालो तो रणछोड़ भी ये लूज रहता है, ये लूज रहता है इसमें, पर इसमें ये सब कोई झंझट मारी नहीं है। तो मैंने इससे जो अभी मैं अभी यहाँ पे भी काम चल रहा है, और ये 3 टेबल है जिसमें मुझे अभी होल करना है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और प्लीज़ ये वीडियो। ये है ग्राइंडर मशीन जिससे, और ये जो डिस्क जो आप देख रहे हैं वो इससे लकड़ा काटा जाता है। तो आप ये देखिएगा मैं किस हिसाब से काट रहा हूँ इसको। आंखों में बहुत जलन होती है। ये मैं जो भी काम कर रहा हूँ प्लीज अपने घर पे मत ट्राई कीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरी वार्निंग है आप सबको। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अभी मैंने इसका ये जो ये साइज लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके अंदर मैंने ये खड्डा क्यों पाया ताकि कि मैं इसको आराम से तोड़ सकूं, क्योंकि इसकी जो ये लकड़ी का जो थिकनेस है वो काफ़ी जाड़ा है, और ये जो मेरी मशीन है वो इसकी मतलब इतना काट नहीं पा रही है, अंदर तक जा नहीं पा रही है। तो अभी मैं क्या करूँगा इसमें, एक तो ये पहले तो मैंने इसमें एक लाइन पर करके इसके अंदर खड्डा कर दिया है, तो मैं इसके अंदर ड्रिलिंग मशीन डाल के इसके पूरा इसको आसान कर दूंगा ताकि ये आराम से टूट सके। और ये हमारा काका है जो बढ़िया से हमारी हेल्प करता है, इसका नाम है नरेश भाई। ये मेरी पूरी टीम है जो मेरी हेल्प कर रही है। आऊं जा यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी मैंने इसको यहाँ से थोड़ा खाली कर दिया ताकि अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर प्रेस कर करके यहाँ पे इसका पूरा खड्डा करके ये पूरा निकाल दूँगा। ये जो मैंने इसमें छोटे छोटे होल कर दिए, तो इसे ये
जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आजू बाजू जो यहाँ पे कचरा है, तो इसमें अभी ये थोड़ा बहुत फिनिशिंग करना है, वो भी मैं करके फिर वापस मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक क्या ये बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वो कैसे फिट करना है। देखिए एकदम क्लियर हो गया, बिलाओ तो ये फिट बैठता कि नहीं, ये देखिए एकदम परफेक्ट आ गया है। अभी हम काम करेंगे ये वाले टेबल पर। तो अभी तो मैंने वो टेबल का काट दिया था, तो उसका वीडियो बनाया नहीं, तो अभी मैं आपको बता दूं इसके मेजरमेंट के हिसाब से मैं कैसे काटना है। वैसे इसका ये वाला मेजरमेंट है 1/7 और यहाँ का जो मेजरमेंट है वो है 18.2। थोड़ी कटाई शुरू करें, होल्स हो चुके फिनिशिंग के साथ। ये देखिए कितना सारा कचरा हुआ है। है नरेश भाई? सही बात है। अभी नरेश भाई हमारे सब साफ करेंगे। तो अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो आने वाला है वायरिंग। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि वायरिंग ये जो है कैसे की जाती है। कि ये जो है इसमें इलेक्ट्रिक सॉकेट जो है उसमें ऐसा होता है कि ये होता है LNN, मुझे इनका फुल फॉर्म तो नहीं मालूम है, पर ये जो इसमें जैसे कि अभी इसमें कनेक्शन करना हो तो इसका कनेक्शन कुछ ऐसा होता है। जो भी वो लाओ तो कहाँ गया, एल का जो वायर है वो एल में कनेक्ट होगा, दूसरा एल का वायर तीसरे एल में कनेक्ट होगा, एन का वायर एन में और दूसरा ये एन का वायर एन में। फिर ऐसे कनेक्शन करने के बाद एक लास्ट में दो वायर निकलते हैं, जैसे कि एक निकला ये एल का अलग से और ये निकला एन का। तो ऐसे हर एक बोर्ड का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ये रणछोड़ भाई है, ये जो है बोर्ड के अपने इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए रणछोड़ भाई ने पहला एक वायर डाला है एल में, उसको जो फिट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से इसका माप लेके उन्होंने इसका माप लिया और यहाँ से अभी इसे वायर कटर से थोड़ा सा आगे से छीलेंगे, यहाँ से इसको एल वाला डालेंगे एल के अंदर और यहाँ से फिर इसका स्क्रू फिट कर देंगे। ये सब चीज़ें हम सब हमारी डिस्क पर कर रहे हैं, प्लीज़ आप घर पे ट्राई नहीं कीजिएगा। अगर कुछ भी हुआ तो मैं और मेरी टीम और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। अच्छा इसका थोड़ा अंदर आ जाओ, ये थोड़ा बाहर है। यहाँ से इसको एकदम टाइट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वायर फ्यूचर में निकल सकता है बाहर। नहीं तो ये भी किसी चीज़ का होगा ना, तो अर्थिंग का अर्थिंग का अपना अर्थिंग का नहीं है, समझे जरूर देंगे अपना अर्थिंग।
तो मास्टर आगे नहीं तो बोर्ड आराम से बना लो, बनाना होता क्या बोले खाली करे एल का काम बच गया। तो ये देखिए एल 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 ये हो गया फर्स्ट कनेक्शन कंप्लीट। अब यहाँ से ये जो बार है वो आउटपुट बिना छोड़ पे लगाएगी एन वाले, तो सेम टू सेम जैसे एल का कंप्लीट किया वैसे का वैसे एन का भी कंप्लीट होगा। ये तो मैं आपको अभी पहले बोर्ड ये दूसरे बोर्ड का बता रहा हूँ, अभी दो बोर्ड और करने के हैं। सोल्डिंग किया था और ठीक रहता, सोल्डिंग नहीं आता नहीं आता सोल्डिंग, इसके सोल्डिंग कभी नहीं करता कोई। ये देखिए ये सॉकेट अभी पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो सर रणछोड़ भाई ने जी ये चार टेबल के जो है ये चार सॉकेट दिए, पूरी चार स्ट्रिप्स। अभी इसके बाद होने वाला इंस्टॉलेशन, तो यहाँ से जो है यहाँ से हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। और ये जो ये दोनों जो सॉकेट के जो कनेक्शन है वो भी हम इसमें सेट करेंगे फीमेल में। फिर क्या होगा कि एक वायर जो है यहाँ से लेकर यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो ये क्या ये दोनों टेबल के जो सॉकेट है वो चालू हो जाएंगे। ये लगाओ एक मिनट बराबर पढ़ो पढ़ो एक इसकी प्लेट फिटिंग कर दे रहा है। एक मिनट उसका नाम करना होगा। इसमें ड्रेस लगा के दिखाओ। एक दो टेबल के तो इंस्टॉलेशन हो गया है। अब नेक्स्ट टेबल ये वाला है। टेबल का भी फाइनल कर रहा हूँ मैं। पकड़ जाओ ना हिल जाओ पलो मैं आगे पूरे बहुत मत माना दूसरा वाला कर गया। सो फाइनली दोस्तों सारे बोर्ड्स जो है जितने भी लगाने थे तीन मेन जो टेबल थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ, ये दूर से देखो मतलब कि जैसे अभी कैसे ये लग रहे हैं। सो ये सब इनका भी ये इलेक्ट्रिशियन का काम इन्होंने किया है रणछोड़ भाई ने, और ये राहुल भाई ने ये हमारी हेल्प की है।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कौन सा मेरे वीडियो का पार्ट अच्छा लगे वो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।